देते हैं कि आप लोग मेमोरी वर्सेस याद करते हैं, लेकिन आप लोग इस बात को भी याद रखिए कि जो मेमोरी वर्सेस याद करने हैं किसी से आगे निकलने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल में कितना ज्यादा हम लोग याद कर सकते हैं, कितना ज्यादा उसको बसा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो अभी हम जाएंगे हम लोग जाएंगे आज के संडे स्कूल के लेसन में। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करें और सरों को झुकाएंगे और अपने मन में कुछ भी आ रहा है ना इधर उधर की बातें, उसको हटा के सिर्फ ये सोचना है कि आज प्रभु आप मुझसे बात, कुछ भी नहीं सोचना, क्लास का होम स्कूल का होमवर्क बचा है, कल स्कूल है, आज ये खेलना है, यही खाने में बना होगा संडे स्कूल के बाद, ये खाना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप मुझसे आज क्या बात करना चाहते हो, और जो भी आप मुझसे बात करोगे मैं उसको मान सकूं, ठीक है। आंखें बंद करेंगे। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, सभी बच्चों को आपके लहू में छुपाती हूँ, आपकी महिमा हो इस लेसन के द्वारा, बच्चों के दिल में ये बैठ सके, बच्चे सुने माने, आप इनके हृदय को मेरे हृदय को जो भी सुनने वाले कायल करें और हम पवित्र रह सके और आपको महिमा दे और आपके अनुसार चले, यीशु मसीह के नाम में आमिन, ठीक है। अच्छा क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आज, ये कौन सा व्यक्ति है जिसके बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं? इनका नाम है एरिक लिटिल, ठीक है। आज हम एक मिशनरी के बारे में सुनने जा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि मिशनरी क्या होता है, क्या होता है मिशनरी? हम लोग हमेशा कितनी बार बताया गया है, सुना है हमने मिशनरी के बारे में ना, कोई बताएगा? हैंड्स रेज कर दीजिए, कोई बोलेगा कि मिशनरी क्या होता है? हाँ जॉय और अके जॉय और एरन कहाँ थे? आप बोलो बेटा मिशनरी क्या होता है? मिशनरी वो होता है जो प्रभु अपने जीवन में हर समय प्रभु के काम करता है। मिशनरी ओके और कोई बोलना चाहता है? हाँ अनोश। जो परमेश्वर का प्रचार करता है और परमेश्वर की सेवा करता है। ओके वेरी गुड। तो मिशनरी हमेशा याद रखना, ठीक है। हम याद आपको ये रखना है कि मिशनरी जो है एक वर्ड है मिशन से जुड़ा है, ठीक है। मिशन का क्या मतलब होता है? उद्देश्य, ठीक है। तो मतलब एक उद्देश्य है उसका, क्या है उद्देश्य? कि मिशनरी कि उसे जगह जगह प्रभु लेके जाता है और परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाने के लिए, ठीक है। और वो संपूर्ण रीति से अपने जीवन को प्रभु पे समर्पित करता है और प्रभु का सुसमाचार सुनाता है, ये याद रखना है। आज हम एक 20th सेंचुरी के एक मिशनरी के बारे में सुनेंगे जिनका नाम है एरिक लिडल, ठीक है। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, इसका प्रोनाउंसिएशन है एरिक लिडल, ओके एरिक लिडल, ओके गुड। उसके बाद एरिक लिडल जो है उनका जन्म त्यान श्यानजीन ये जो है चाइना में पड़ता है, ठीक है। चाइना में एक मिशनरी पेरेंट्स जो कि स्कॉटलैंड के थे, उनके पेरेंट्स स्कॉटलैंड से चाइना आए थे, ठीक है, प्रभु की सेवा करने के लिए। और वो लोग यहाँ पे चाइना में, ये नॉर्दर्न चाइना का पार्ट है, और वहाँ पे वो लोग प्रभु की सेवा करते थे। और एरिक हेनरी लिडल का जन्म चाइना में हुआ, उनके माता पिता का 16 जनवरी 1902 में, 16 जनवरी 1902 में उनके माता पिता का नाम था जेम्स, उनके पापा का नाम जेम्स लिटल और उनकी मम्मी का नाम मेरी लिटल, ठीक है। वो लोग स्कॉटलैंड के थे और बहुत हार्ड वर्किंग थे और प्रभु की सेवा करने के लिए बहुत समर्पित जीवन जी रहे थे, ठीक है। और जैसे हम यहाँ इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये एरिक लिटल है, उनके पापा जेम्स लिटल, और यहाँ पे डेट है लिखिए 16 जनवरी 1902 में। और एरिक के 3 सिबलिंग्स थे, एरिक के बड़े भाई थे रॉब लिटल, फिर एरिक लिटल, उनकी बहन थी जेनी लिटल, और उनका एक छोटा भाई था अर्नेस्ट लिटल, ठीक है।
हो सकता है आपको नाम याद ना रहे हो, लेकिन याद नहीं हो पाए हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। यहाँ मैंने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मतलब आप इतना भी याद रखेंगे कि हाँ उनके इतने भाई बहन थे तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हमें आगे देखते हैं कि क्या उनका मिशन था, परमेश्वर ने किस लिए उनको चुना, ठीक है। एरिक लिडल जो थे उनको एक गिफ्ट मिला था, आपको पता है एक गिफ्टेड, वो बहुत फास्ट थे, फास्ट रनर थे, और उनके माता पिता को अचंभा होता था, जैसे यहाँ पे हम फोटोग्राफ में देख सकते हैं ना, वो भाग रहे हैं और उनके माता पिता, ये उनके पापा हैं और उनके मम्मी हैं, उनको ये अचंभा होता था कि कैसे गॉड उनकी इस एथलेटिक एबिलिटी को यूज करेगा, मतलब जो भागने की क्षमता है उनकी, बहुत तेज भागने की क्षमता है, उसको कैसे गॉड यूज करेगा। और वो लोग मिशनरी, एक उनकी सोसाइटी होती थी जो एक लंदन मिशनरी सोसाइटी थी उनकी, तो उनका एक रूल होता था कि वो लोग जब 7 इयर्स में, आपको पता है, एक ही बार अपने घर जा सकते थे, और वो लोग वहां पे क्या होता था कि उनके जो बच्चे हैं उनको वो हमेशा बोर्डिंग स्कूल में भेजते थे। तो इसी तरह से एरिक और उनके भाई जो है, एरिक लिटिल और उनके भाई रॉब लिटिल, उनको भी बोर्डिंग भेजा गया। जैसे हम देख सकते हैं ना यहाँ पे एरिक लिटिल को, उसका फेस कैसा बना हुआ है, खुशी हो रही है क्या उसको, बहुत ज्यादा अपने माता पिता को छोड़ के बाहर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए जाने के लिए, कैसा लग रहा है उसको, उसका मुंह ऐसे उदास सा है ना, तो बहुत उसकी मम्मी को भी बहुत दुख हुआ। लेकिन क्योंकि एक बलिदान वाला उन्होंने जीवन जिया, और उन्होंने इस बात को जानते हुए कि नहीं, उन्हें यहाँ पे प्रभु की सेवा करनी और अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना जरूरी है, तो उन्होंने इस तरह से किया, ठीक है। और एरिक और रॉब वो लोग लंदन के बाहर वो लोग पढ़ने, एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने गए, ठीक है। हाँ, और आपको पता है एरिक, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही फास्ट थे, और बहुत फास्ट, और बहुत वो रग्बी में बहुत अच्छे थे और एथलीट्स में बहुत अच्छे थे, ये फोटो देख सकते हैं, ये उनके जो स्कूल में और यहाँ कॉलेज में, यहाँ पे एरिक की फोटो हम लोग देख सकते हैं, वो बहुत अच्छे रग्बी प्लेयर थे और इन सब बातों में वो इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। और बोर्डिंग स्कूल के बाद एक यूनिवर्सिटी है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, वहां पे वो पढ़ने के लिए गए, ठीक है। बिल्कुल और उसके बाद हम देख सकते हैं कि वहां पे जब वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में गए, तो उनके और एक ट्रेनर थे, उनका नाम था टॉमी, उन्होंने एरिक को जब नोटिस किया कि जिस तरह से वो भागते हैं और उनकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को उन्होंने देखा, तो उन्होंने मतलब उन्हें कन्विंस किया एरिक को कि वो एथलीट्स में वो ज्यादा इन्वॉल्व हो, ठीक है, भागने में वो ज्यादा ध्यान लगाए, और उन्होंने उसको ट्रेन करना शुरू किया। और एरिक बहुत पता है, जब लोग अचंभा करते थे कि जब वो भागते थे तो ऐसे भागते थे जैसे कभी उन्होंने किसी को नहीं देखा भागते हुए, और जब वो भागते थे, आपको पता है उनके जो नीज है ना, वो एकदम उनके चेस्ट की तरफ आते थे, नीज उनके चेस्ट की तरफ, ऊपर की तरफ आते थे, और उनका जो, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि उनका जो फेस है वो अपना हेड पीछे की तरफ करते थे, तो सब लोग देखते थे कि वो कितना फास्ट भागते हैं, तो उनकी, लोगों की उम्मीदें और बढ़ने लग गई, और वो और एरिक भी उनको ज्यादा जो उनका इंटरेस्ट है वो एथलेटिक्स में आने लग गया। और एक बार क्या हुआ कि वहां पे उनके कॉलेज में एक ऑक्सफोर्ड मूवमेंट करके एक ग्रुप था, जिसमें वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, और ये विश्वास करते थे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ सबसे ज्यादा जरूरी, सब बातों के अलावा ये है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप हो, ठीक है, कि हमें सबसे पहले उठकर परमेश्वर की आवाज को सुनना है, आज के दिन में प्रभु हमसे क्या चाहता है, और प्रभु पे विश्वास करना है, और इस बात को ग्रहण करना है कि केवल वो ही उद्धार करता है,
वो ही हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है। कैसे छुटकारा दे सकता है हमारे पापों से? केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, है ना। हम वचन में पढ़ते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उस उन लोगों से मिलकर उसमें एक थे लॉर्ड हैमिल्टन करके, मैं उनके उनके साथ मिलके, उनके साथ और रह के एरिक लीडल ने इस बात को सीखा कि परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत समय है वो बिताना कितना जरूरी है। और आपको पता है वो हर रोज सुबह उठकर परमेश्वर के साथ समय बिताते थे और प्रभु से बात करते थे, वचन को पढ़ते थे, प्रभु की आवाज सुनते थे और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे। इस तरह से उन्होंने और पता है जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एरिक लिडल का, वो जब दौड़ते थे ना तो वो सोचते थे कि मतलब वो उस बात को इंजॉय करते थे। आपने कभी वो इंजॉय करते हुए सोचते थे कि प्रभु के लिए मैं कर रहा हूँ? ठीक है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप पढ़ते हो या फिर आप ये कुछ खेलते हो, कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज करते हो, तो आपके मन में आता है कभी ये सवाल कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ? क्या मैं फर्स्ट आने के लिए कर रहा हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई मेरी प्रेज करे, मेरे मम्मी पापा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो मुझे अच्छे गिफ्ट देंगे, अच्छे कपड़े देंगे, या हो सकता है अच्छी बुक्स देंगे या गेम्स देंगे खरीद के, मैं इसलिए कर रहा हूँ? लेकिन एरिक लिडल के मन में ये बात आती थी कि मैं जो अपने एथलीट में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ या मैं खेलता हूँ, जब वो दौड़ते थे तो वो प्रभु को अनुभव करते थे, वो उसको और इंजॉय करते थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, क्योंकि स्कॉटलैंड में कोई भी अभी तक ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं आया है, तो 1924 में पेरिस में ओलंपिक गेम्स थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि ओलंपिक्स क्या होता है, पहले मैं ये बता दूं आपको, ओलंपिक्स एक मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें बहुत सारे देशों के लोग अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी आपको स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको? हाँ स्क्रीन, ओके ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना अगर आवाज क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो हाँ, तो मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होता है, उसमें क्या होता है, जिमनास्टिक होती है, स्विमिंग होती है, शॉट पुट्स होती है, एथलीट्स होती है, एथलीट्स में भी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेसेस होती है, बहुत लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो आप सोचो, आपको पता है कि जो एरिक लीडर था वो ओलंपिक में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट तो किया उसने, लेकिन आपको पता है जैसे ओलंपिक्स में जब गेम्स होती है, स्पेशली एथलेटिक गेम्स होती है, तो मेन जो इवेंट होता है उससे पहले एक 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 रिहर्सल वाले इवेंट्स होते हैं, उसको हीट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि और सब लोगों को बहुत आशा थी कि एरिक लीडल जो है वो हमारे देश को गोल्ड मेडल लेके आएगा हमारे लिए, और वो लोग बहुत उत्साह से उन्होंने एरिक लीडल को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला और बहुत वो लोग खुश थे कि एरिक लीडल गोल्ड लेके आएगा, गोल्ड लेके आएगा। एरिक लीडल आपको पता है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, एक बार ऐसा हुआ कि वो तीनों रेसेस में बहुत अच्छे आए। एक बार में एक इंटरनेशनल गेम हुआ था तो उसमें वो तीनों गेम्स में उनको बहुत मतलब वो फर्स्ट रहे, और तो सब लोगों को बहुत आशा थी कि ये हमारे देश का नाम रोशन करेगा, ये हमारे देश के लिए गोल्ड लेकर आएगा, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मम्मी पापा को भी बहुत आशाएं होती है कि हम ऐसा करेंगे और हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ऐसा तो अच्छी बात है ना। तो उस तरह से कितना अच्छा लगता है जब कोई हमारे लिए इतना एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरा बेटा ऐसा करेगा, ऐसा होगा। तो इसी तरह से एरिक लिडल के लिए भी जो स्कॉटलैंड के मन में बहुत स्कॉटलैंड के लिए गोल्ड मेडल के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बहुत आशाएं थी, लेकिन क्या हुआ आपको पता है, वो जो 100 मीटर की जो रेस थी वो हीट जो थी वो संडे को पड़ी। अब संडे को पड़ी तो क्या हो गया, संडे को क्या होता है, क्या होता है संडे को?
स्पेशल है संडे? अच्छा बोलो जल्दी, क्या कर? चल अच्छा चर्च जाना था, जाना, ओके चल गुड, जाना। ठीक है, हाँ गुड गुड गुड। तो हाँ, तो संडे को, तो आपको पता है एरिक लीडल ने मना कर दिया कि संडे है और उस दिन मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, तो मैं उस दिन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और पता है सब लोगों ने उसके ऊपर बहुत ब्लेम किया, उसको बहुत दोष लगाया कि ये तो धोखेबाज है, गद्दार है, और इसने हमारे देश के लिए इसने ये गोल्ड मेडल नहीं लेके आ सकता है, इस तरह से बहुत कुछ बोला। और फिर भी आपको पता है न्यूज में, अखबारों में, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, बहुत ऐसे लिखा गया, नेशनल चैंपियन एरिक लीडल रिफ्यूजेस टू रन ऑन संडे, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, लेट डाउन टू हिज कंट्री, मतलब अपने देश का नाम उसने मतलब नकार दिया है ना, जहां वो गोल्ड मेडल लेके आ सकता था, सबको बहुत आशाएं थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो संडे को, क्योंकि वो परमेश्वर का दिन है, आराधना का दिन है, वो उस दिन नहीं दौड़ेगा। और वो अपने कमरे में बैठ के एक बार सोच रहा है, लेकिन उसके मन में ये आशा थी कि क्या हुआ अगर मैंने रेस नहीं दौड़ी, लेकिन मैंने जो भी किया मैंने वो सही किया, वो परमेश्वर की नजर में सही है। और आपको पता है फिर उसके बाद क्या हुआ, वो 100 मीटर बहुत अच्छा दौड़ते थे, और उनको पता लगा कि 200 मीटर और 400 मीटर की जो रेसेस हैं वो वीकडेज में है, हफ्ते में है, तो उन्होंने अपने आप को फिर 200 मीटर और 400 मीटर रेसेस के लिए तैयार करना शुरू किया। पता आपको कि 400 मीटर में वो बिल्कुल भी उसके लिए क्वालिफाइड नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस बात के लिए कि नहीं मैं अब उसके लिए दौड़ूंगा, अपने आप को तैयार किया। और जब वो दौड़ने जाने लगे तो उनको किसी ने एक नोट किया, उसमें ऐसा लिखा था कि ही दैट ऑनर्स मी आई विल ऑनर। ये नोट जो है एरिक लिडल को किसी ने हाथ में दिया जब वो रेस पे दौड़ने वाले थे, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में, और जब वो दौड़ने वाले थे तो उन्होंने उनको एक उत्साह उनके मन में आया कि हो सकता है मैंने मना कर दिया, और हो सकता है कि मेरे आसपास और देश के लोगों की नजरों में मैं एक गद्दार या धोखेबाज जरूर हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा ये आश्वासन दिया है कि मैंने जो कदम उठाया है परमेश्वर के लिए, इस बात को कह के कि मैं संडे को नहीं दौड़ूंगा क्योंकि वो परमेश्वर का दिन है, मैंने वो काम सही किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं ना सब लोग कितनी आशा से कि कैसे देखते हैं कि एरिक लिडल कैसा परफॉर्म करता है, क्या वो फर्स्ट आएगा, क्या वो सेकंड आएगा, क्या वो कुछ भी मेडल लेकर आएगा हमारे देश के लिए। और यहाँ पे एरिक लिडल दौड़ रहा है, और पता है एक न्यूज़पेपर वाले ने बल्कि ऐसा लिखा भी कि एरिक लिडल अगर 400 मीटर के लिए दौड़ना तो चाह रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई मेडल लेकर भी आएगा। और हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, और एरिक लिडल दौड़ने लगे, और दौड़ने लगे। आपको पता है वो 400 मीटर में सिर्फ वो दौड़े ही नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया 400 मीटर में, और वो गोल्ड मेडल लेकर आए, ठीक है, और 200 मीटर में उसी ओलंपिक्स में उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें उन्हें उनका आदर किया। लेकिन आपको पता है कि जब यहाँ पे सब न्यूज़पेपर्स वाले सब लोग उनके पास आए कि कैसे वो गोल्ड मेडल जीत गए, 400 मीटर के लिए तो वो तैयार भी नहीं थे, लेकिन पता है जब वो दौड़ने वाले थे ना, तो परमेश्वर ने उनसे उन्होंने परमेश्वर से क्या प्रार्थना की, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उन्होंने परमेश्वर से ये प्रार्थना की, ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मैं जीत जाऊं, मैंने आपका आदर किया, देखो अब तो मैंने आपका आदर किया, मैं संडे को नहीं गया दौड़ने के लिए, अब तो आप मेरा आदर करो, और उन्होंने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पता है सिर्फ इतनी प्रार्थना की, प्रभु मैं आज दौड़ने जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी महिमा करना चाहता हूँ, ये नहीं कहा मुझे एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल तो दे दो, वैसे ही मेरे देश वाले सब लोग मुझे इतना मेरे नाम मेरा मेरे ना मेरे नाम को तुच्छ मान रहे हैं और मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं,
उन्होंने सिर्फ इतनी प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके लिए दौड़ रहा हूँ, केवल और केवल आपकी महिमा हो। और उस और किस तरह से उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, है ना। और जो उनको शोहरत मिली उनके इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के बाद, जीतने के बाद, उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया और दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और उसके बाद पता है क्या हुआ, उनको तो अब वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। कितनी बड़ी बात है कि आपका अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो और फिर उसके बाद आप गोल्ड मेडल जीत के आए हो। लेकिन इस बातों के बावजूद भी आपको पता है एरिक लिडल ने अपने सारे ट्रॉफीज मेडल्स एक बॉक्स में रख दिए और उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि मैं अब आगे से मुझे चाइना को मेरी जरूरत है। उनके मन में बोझ था चाइना के लिए कि यीशु को संसार चाहिए, मतलब वो चाहते हैं कि पूरे संसार का उद्धार हो जाए और संसार को यीशु की जरूरत है। आज हमारे आसपास के लोगों को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, वो नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को, वो पाप में पड़े हुए हैं। उनके मन में बोझ था कि जिस तरह से उनके माता पिता चाइना में प्रभु की सेवा करते हैं, वो भी प्रभु की सेवा करने के लिए चाइना जाएं। और सब लोगों को अचंभा जरूर हुआ कि कैसे वो इतना फेम, वो शोहरत, वो ग्लोरी, वो महिमा को छोड़ के वो प्रभु की सेवा के लिए वो मिशनरी टीचर के रूप में वो चाइना गए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सब लोग उनको विदा कर रहे हैं। और फिर वो चाइना गए और चाइना में ये जो जगह है श्रियंजिन, चाइना में वो प्रभु की सेवा करने के लिए गए। और क्योंकि उनका जो ग्रेजुएशन था वो प्योर साइंसेस में था, वो केमिस्ट्री के टीचर भी थे और वो स्पोर्ट्स टीचर थे वहां पे श्यानजीन में, और वहां पे वो प्रभु की सेवा भी करते थे। और वहां पे उनकी शादी हुई फ्लोरेंस मैकेंजी से, जिनके पेरेंट्स कनाडा से थे, वो भी एक मिशनरी थे। और उनकी जो दो बेटियां थी, एक का नाम था हेथर और पेट्रिशिया बड़ी थी हेथर, उनका जन्म चाइना में हुआ। और उसके बाद लेकिन आपको पता है उस समय 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और जापान ने चाइना पे उस समय अटैक कर दिया। हाँ, और फिर क्या हुआ, जापान ने, जैसे हम देख सकते हैं ना यहाँ पे कितना बमबारी हो रही है, और जापान ने चाइना पे अटैक कर दिया। और सब और फिर क्या हुआ कि एरिक ने अपनी पत्नी को और बच्चों को वापस कनाडा भेज दिया। और उसके बाद उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को, अपनी फैमिली को कनाडा भेज देंगे और वो खुद यहाँ रहकर जो लोगों को जरूरत है चाइना में उनकी सेवा करेंगे। और आपको पता है कि जापान, जापानीज जो थे वो उनके उनके शत्रु थे चाइना के, और उन्होंने जितने भी वहाँ पे नॉर्दर्न चाइना में जो लोग थे, जो अलग अलग देशों से लोग थे, अमेरिकन, कैनेडियंस, टर्की से और इटली से, उन लोगों को वो क्या करते थे, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में वो लोग ले गए और वहां पे रखते थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता था, जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम भी वो लोग क्या करते थे, लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक साथ एक जगह पे रख देते थे। बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते थे, कई लोगों को जैसे एक रूम में है तो 5-6 लोगों को एक साथ रख दिया। वहां पे उनको खाने को नहीं मिलता था, बहुत खाने को मिलता था लेकिन बहुत अच्छे से नहीं, सिर्फ ब्रेड और सूप खा रहे हैं। और सब लोगों को, चाहे वो बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी हो वैसे अपने प्रोफेशन में, लेकिन उन लोगों को वो लोग क्या करते थे, उन लोगों से अलग अलग काम करवाते थे, किसी से झाड़ू पोछा करवाते थे, खाना बनवाते थे, ठीक है, इस तरह से होता था। तो जैसे हम लोग ये देख सकते हैं ना, ये जापानी सोल्जर्स हैं और ये लोगों को लेके जा रहे हैं इंटर्नमेंट कैंप, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लेके जा रहे हैं। और वहां पे एरिक लिडल रहे, ठीक है। और आपको पता है एरिक लिडल वहां पे, उन्होंने वहां पे रह के प्रभु की सेवा की, लोगों को
जैसे हमने देखा ना कि किस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जब ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के लोगों के साथ रह के उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ और पर्सनल रिलेशनशिप उनका गहरा हुआ, तो वहां पे भी उन्होंने अपना रिश्ता प्रभु के साथ छोड़ा नहीं। उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी जब एक कमरे में 4-5 लोग रहते थे, वो पता है सुबह उठ के, सुबह बहुत 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के वो अपनी बाइबल खोलते और बाइबल पढ़ते, और दूसरे लोग देखते कि क्यों बाइबल पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है। आपको पता है दूसरे लोगों के जीवन भी उनके द्वारा प्रभावित हुआ और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। और वहां के जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हर तरह के लोग होते थे, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब तरह के लोग होते थे, और वो उनको वो जो बच्चे होते थे उनको वो, क्योंकि वो ग्रेजुएशन उनका प्योर साइंसेस में था, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे और कईयों को स्पोर्ट्स पढ़ाते थे, और लेकिन हाँ ये उनका निर्णय जरूर था कि मैं रविवार का दिन जो प्रभु का दिन है वो प्रभु के लिए बिताऊंगा, उस दिन मैं कोई और काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो बच्चों उस तरह से उन्होंने प्रभु की सेवा की और उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी बहुत लोगों का उद्धार हुआ, बहुत लोग उनके जीवन से प्रभावित हुए, और उनको फिर धीरे धीरे ब्रेन ट्यूमर हुआ और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और वो प्रभु के पास चले गए। लेकिन आपको पता है उस इंटर्नमेंट कैंप, उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप के लोगों से जब वो बात करते थे, उनका जीवन इतना प्रभावित हुआ, उनका जीवन बदला, और और जब वो अपने डेथ बेड पे थे, जब वो मरने वाले थे, तो उनके जो लास्ट वर्ड्स थे पता है क्या थे, उनके लास्ट वर्ड्स थे सरेंडर, सरेंडर। वो सरेंडर भी पूरा नहीं बोल रहे थे, बट सर बोल रहे थे और रेंडर, ठीक है। तो उनको समझ में आया कि सरेंडर बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा अपने लास्ट वर्ड्स में कि हम हमेशा चाहते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करना, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हमारे पास जो भी स्थिति है हम अपनी इच्छा पूरी करें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो परमेश्वर चाहता है हम वो पूरा करें, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। और उनकी डेथ 21 फरवरी 1945 में हुई, ठीक है। 1945 में ही वर्ल्ड वार टू खत्म हुआ। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें पता आप पढ़ पाओगे कि 1939 से 1945 में वर्ल्ड वार टू था। और फिर हम देख सकते हैं कि एरिक लीडर क्या बोलते हैं कि चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, यीशु मसीह जो है वो सबका उद्धार करता है। वो जो है वो हमारे अंदर सबसे बेस्ट लेके आ सकता है। हो सकता है आज आपके मन में प्लान्स हो, मैं बड़े होके ये बनूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना। लेकिन जो परमेश्वर है, अगर आज आप अपने प्लान्स को प्रभु के हाथ में सौंप दोगे तो वो आपके अंदर बहुत बेस्ट लेके आएगा, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा। आपको बेस्ट चाहिए कि बेटर चाहिए? हम लोग पढ़ते हैं ना बेटर बेस्ट, है ना, इस तरह से। तो बेटर चाहिए कि बेटर मतलब ठीक ठाक, ठीक है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, है ना। तो क्या चाहिए आपको, सेकंड बेस्ट चाहिए कि फर्स्ट बेस्ट चाहिए? तो ये सवाल आज आप अपने आप से करिए। और वो बोलता है कि लॉर्ड हियर आई एम, मैं हूं यहाँ, आप मुझे इस्तेमाल करो, आप मुझे जहां लेके जाना चाहते हो आप मुझे लेके जाओ, आपकी इच्छा मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आज मेरा सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि हम कैसे हम प्रभु का आदर करते हैं। आदर करना क्या होता है, ऑनर करना क्या होता है, हाँ क्या होता है ऑनर करना, कोई बोलेगा, कोई बोलना चाहता है ऑनर का मतलब क्या होता है, आदर कैसे करते हैं हम? अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। बात मान के, हाँ, वेरी गुड राइका, वेरी गुड, बात मान के, बहुत अच्छा। अभी हम देखेंगे हम कैसे आदर करते हैं, वेरी गुड राइका, आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखो सबसे पहले, जब अभी तो आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जब हम स्कूल जाते थे तो टीचर आती थी तो हम कैसे इस पोजीशन में बैठ जाते थे ना, एकदम हम अपनी गर्दन इधर उधर नहीं हिलाएंगे, अपनी आंखें सिर्फ बोर्ड की तरफ रखेंगे, जो टीचर बोल रही है हम वैसे ही सुनेंगे, वैसे ही करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे क्लास में। वो क्या होता है, एक भय होता है, एक डर होता है कि टीचर के सामने हमें रिस्पेक्टफुली बैठना है,
एक रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट ऑनर करना। कैसे करेंगे? आज्ञा मान के। राइका ने बिल्कुल सही कहा, जैसे कि आपने नूह की कहानी पढ़ी होगी ना बच्चों ने, परमेश्वर ने बहुत साल पहले ही नूह को प्लान दे दिया था कि वर्षा होगी, 40 दिनों तक वर्षा होती रहेगी और मतलब पूरा फ्लड आ जाएगा और तू एक बड़ी सी आर्क बनाना है ना, और इस लकड़ी की बनाना, इस डाइमेंशंस में बनाना है ना, उसका नाप वगैरह सब कुछ बता दिया और नूह ने बहुत साल पहले उसको बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आपको पता है आसपास के लोगों ने कितना उसका मजाक किया, कितना उसको दुत्कारा, उसका कितना मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी नूह ने प्रभु की बात को माना, बिल्कुल कुछ नहीं सोचा, प्रभु ने कहा है मुझे करना है। उसी तरह से हम भी प्रभु की आज्ञा को माने और उसका आदर करें। दूसरा, और किस तरह से हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं? पाप से बच के, पाप से भागना है। जैसे जोसेफ भागा, यूसुफ भागा, ठीक है, पोतीपर की पत्नी उसके ऊपर इल्जाम लगा रही थी और गलत गलत बात उसके उससे पाप करवाना चाहती थी, है ना। तो उसी तरह से हम लोग पाप से बच के हम लोग प्रभु का आदर कर सकते हैं। यू हैव टू से नो टू सिन। मन में गलत विचार आएंगे ना, उसी समय बोलना है नहीं, मैं गलत नहीं सोचना चाहता हूँ। हमारे हाथों से अच्छे काम करने हैं, हमारे जो कान हैं वो अच्छी बातें सुने, गलत बातें ना सुने, हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो आईज है ना, वो अच्छी चीजें देखे। तो हमारे जो शरीर का हर एक पार्ट है ना, वो प्रभु के लिए करना है समर्पित, ठीक है। तो पाप से भागना है। तीसरा, बिना संदेह के विश्वास करके हम प्रभु का आदर कर सकते हैं। हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं ना, प्रभु ने कहा कि तू अपना बेटा बलिदान कर दे। वो उसका पहला बेटा, वो इकलौता वो बेटा था जो प्रतिज्ञा का पुत्र था, जिसके बारे में आपको पता, प्रभु ने बोला था कि हाँ वो ही है जिससे मतलब मैं वंश बनाऊंगा तेरा, कैसे, जो जो बालू के किनके होते हैं उनके समान, आकाश के तारों के समान। लेकिन उसने विश्वास किया और अपने इस मुकाम तक, इस लेवल तक वो रेडी हो गया अपने बेटे को बलिदान करने के लिए कि प्रभु ने दिया है, प्रभु ले भी सकता है ना। तो बिना संदेह के प्रभु पे विश्वास करके जो भी प्रॉमिस प्रभु आपसे करता है, आप बिलीव करो, प्रभु मैं बिलीव करता हूँ आपने ये प्रॉमिस दिया और आप इसे पूरा करोगे, और जो भी आज्ञा, जैसे नूह ने विश्वास किया, आप विश्वास करके उस आज्ञा को मानो। और जिस तरह से यूसुफ पाप से भागा, उसी तरह से हमें भी पाप से भागना है। अच्छा, और किस तरह से हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं? जैसे मैं आपको जल्दी से बताऊंगी, प्रोवर्ब्स 3:9 में लिखा है कि अपनी संपत्ति से और अपनी उपज के पहले फलों से यहोवा का मान कर। ठीक है, अपना फर्स्ट आपको देना है। ठीक है, आप ये सोचो कि मम्मी खाना बना रहे हैं और मम्मी ने खाना बनाया बहुत अच्छे से, डेजर्ट बनाया, और मम्मी ने जो डेजर्ट बनाया अच्छा, और उसके बाद खा लिया, आपके भाई को दे दिया, और एकदम जो लास्ट में थोड़ा सा बचा है ना वो आपको दे दिया, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना, कि बचा कुचा मम्मी ने मुझे दे दिया और अपने अच्छा खा लिया। उसी तरह से हमें बिल्कुल परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं करना है, अपना फर्स्ट जो है ना गॉड को देना है। सबसे पहले उठ के अपना जो फ्रेश टाइम है, बेस्ट टाइम है, वो साइलेंट वाला जो टाइम है ना, गॉड को देना है। आप ऐसे करोगे कि पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं, फिर टीवी देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, शाम को क्रिकेट खेलेंगे या बैडमिंटन खेलेंगे, उसके बाद आके मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी जल्दी से फिर बाइबल पढ़ेंगे, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले अपना बेस्ट टाइम गॉड को देना है। फिर लिखा है लूक 10:27 में, तू अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धि से अपने प्रभु से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार कर जैसे तू अपने आप से करता है। ठीक है, ये प्रभु की आज्ञा है, इसको हमें अपने जीवन में लागू करना है। फिर थर्ड, अपने माता पिता का सम्मान करना है, इफिशियंस 6:2 में लिखा है। फिर उसके बाद, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए दाम चुकाया है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट ही पेड द प्राइस फॉर आवर सिंस ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, तो हम
मोल लिए गए हैं, तो हमें, हम अब अपने आप के नहीं है, हम गॉड को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जीसस क्राइस्ट को बिलोंग करते हैं, तो हमें जो भी करना है परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। तो आज हमें एक प्रॉमिस करना है, प्रभु आज मैं अपने लाइफ को आपको समर्पित करता हूँ, ठीक है, आई सरेंडर माई लाइफ टू यू, फ्रॉम टूडे आई वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ फॉर यू एंड ओनली यू, एंड आई वॉन्ट टू ग्लोरिफाई योर नेम थ्रू माई लाइफ। मैं अपने आपके लिए नहीं जीना चाहता, आपके लिए जीना चाहता हूँ, और अपने मैं हर एक अपने बात से आपकी महिमा करना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाएं, ठीक है। आपकी याद करने की जो आयत है वो है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, 1 Samuel 2:30, ठीक है। आप लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए, आपने पहले तो आप लोग ना अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ कि आपने, आप मेरे पीछे पीछे बोल रहे हो कि नहीं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड वेदांशी, सब लोग अपने वीडियोस ऑन कीजिए और मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए, ठीक है। हाँ, कैनेट अर्पण मैकेरियस, शनाया कैनेट, यस, ओके, हाँ, मेरे पीछे पीछे बोलो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। हाँ, ठीक है, 1 Samuel 2:30, तो हाँ, अभी मैं आपको वर्कशीट दे रही हूं, ठीक है, अभी स्क्रीन में आपको एक वर्कशीट दिखाई देगी, आपकी इच्छा है, अगर आपके पॉसिबिलिटी है कि आप लोग प्रिंट आउट निकाल के इस वर्कशीट का, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, अगर पॉसिबल है कि इसका आप प्रिंट आउट, ओके रजनी सिस्टर, हाँ, अगर पॉसिबल है कि आपको ये इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करना कि ड्रॉ कर सकते हो इसको, तो अच्छी बात है, तो इस पे आपको कलर करना है, ठीक है, अगर कलर, अगर प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो अपनी कॉपी में ड्रॉ करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है, सभी कोई इस पे, अच्छा अभी ये करना है आपको, इसको सही सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है, तो आप लोग हैंड्स रेज कीजिए, सबसे पहला इवेंट, पहले मैं ये रीड आउट कर देती हूँ फिर आप मुझे बताना सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ इसमें से। हाँ, पहले, अच्छा देखो, एरिक गोल्ड मेडल जीत जाता है, ये फोटो है, फिर उसके बाद है एरिक रविवार को नहीं दौड़ता, एरिक चीन में एक मिशनरी टीचर के रूप में और प्रभु की सेवा करता है, युद्ध में एरिक का परिवार खतरे में होता है, एरिक की बेटी का जन्म चीन में होता है, एरिक अपनी शोहरत को अपने विश्वास को बताने के लिए इस्तेमाल करता है, फिर ये फोटो दिखा रही है युद्ध के दौरान एरिक चीन में ही रहता है, फिर उसके बाद एरिक छोटी उम्र में चीन से बाहर जाता है। तो सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ यहाँ पे इन सभी में से, सिक्स में से, कौन बताएगा मुझे? अर्पण मैकेरियस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। या लास्ट वन, एरिक इन छोटी उम्र में चीन से बाहर जाता है। Yes. Yes, he leaves China to go to boarding school. Okay. उसके बाद अब कौन है? सारा, यस, अनम्यूट करो अपने आप को और फिर बताओ कौन सा होगा इसके बाद, फर्स्ट हो गया, सेकेंड इवेंट कौन सा होगा? हाँ सारा, दीदी ये जो फर्स्ट आसन के पास वाला है वो, ये वाला ना जी, हाँ, एरिक रविवार को नहीं दौड़ता, वेरी गुड। अभी थर्ड इनोश, थर्ड कौन सा होगा? अनम्यूट करो, अनम्यूट, में से कौन सा होगा? रायका, नेक्स्ट आपको बताना है,
सोच लो कौन सा होगा, फोर्थ इवेंट कौन सा होगा? अभी थर्ड इवेंट में इनोश से पूछ रही हूँ। एरिक की बेटी का जन्म चीन में होता है। अच्छा ठीक है। नहीं ये नहीं होगा। देखो एरिक रविवार को नहीं दौड़ता, उसके बाद वो फिर दौड़ता है ना, दौड़ने के बाद वो गोल्ड मेडल लेके आता है, तो थर्ड इवेंट होगा एरिक गोल्ड मेडल जीत जाता है। ठीक है, अभी राय का बेटा आप बोलोगे फोर्थ इवेंट कौन सा हो सकता है इसमें से, इसके बाद क्या हुआ था जब वो गोल्ड मेडल जीतता है उसके बाद? और कोई बोलेगा? अनंत, अनंत का हाथ खड़ा है, बोलो। जॉय एरन, अच्छा पहले तो वो बोर्डिंग स्कूल जाता है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिर उसके बाद कॉलेज में जाके फिर वो रविवार वो जो पेरिस ओलंपिक्स में वो नहीं दौड़ता है, फिर थर्ड इवेंट हो गया जब वो दौड़ता है 400 मीटर रेस में तो गोल्ड मेडल लेके आता है। अब उसके बाद क्या होता है, इनमें से क्या होगा? एंजल एस्थर, कुछ भी बोलो, कोई बात नहीं, गलत भी होगा कुछ नहीं होता, बट बोलना चाहिए आपको, बोलो। आपको आता है एस्थर एंजल? हाँ बोलो अनंत, बोलो। थर्ड वाला, लास्ट में थर्ड वाला, ये वाला? यस नहीं, चलो मैं बताती हूँ ये होगा। देखो वो जीत जाता है, उसके बाद उसको इतना फेम मिलता है ना, सब लोग उसके पास आते हैं, रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट और सब कोई उससे पूछने आते हैं और फिर उसका इंटरव्यू लेने आता, तो ये होगा फोर्थ। एरिक अपनी शोहरत को, अपने विश्वास को बताने के लिए इस्तेमाल करता है ना वो, फिर मतलब कि कैसे वो प्रभु के लिए दौड़ा, प्रभु ने उसे जिताया है ना, और फिर उसके बाद कौन सा होगा, फिर जीत जाता है और उसके बाद मतलब वो रिपोर्टर्स को बताता है, उसके बाद क्या होता है फिफ्थ इवेंट? स्पर्श, स्पर्श के हाथ खड़ा है, और अच्छा और कौन बताना चाह रहा है? जॉय एरन एक भी आंसर नहीं बताया, मुझे सैमुअल ने भी एक भी आंसर नहीं बताया, क्या हो गया सैमुअल को? गलत भी है तो कोई बात नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, आप बताओ बस। मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो, जॉय बोलो। एरिक चीन में एक मिशनरी टीचर। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये फिफ्थ इवेंट हो गया, ठीक है, वन हो गया ये वाला, फर्स्ट सेकंड हो गया ये, थर्ड हो गया ये, और फिर फोर्थ हो जाएगा ये, फिफ्थ हो जाएगा एरिक चीन में मिशनरी टीचर के रूप में जाता है, प्रभु की सेवा करता है। फोर्थ के बाद फिर क्या होता है, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ? इनोश, हाँ इनोश बोला, आज परिरोही भी नहीं बोल रहे हैं, क्या हो गया परिरोही को? हाँ इनोश बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। युद्ध होता है और परिवार खतरे में होता है, उससे पहले परिवार तो बनेगा ना, यहाँ पे परिवार, यहाँ पे ये तो आएगा ना, एरिक की बेटी का जन्म चीन में होता है, ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा सिक्स्थ, यहाँ पे आप सिक्स्थ नंबर लिख दोगे। ओके अभी नेक्स्ट कौन बोलेगा? एस्थर एंजल, परी रोही, हाँ बोलो। ओके ओके पहले परी बोलेगी, परी रोही, उसके बाद एस्थर आपकी टर्न। ओके नेक्स्ट वाला याद कर, हाँ बोलो बोलो बोलो, परी रोही। कौन सा? चीन में हाँ, हाँ एरिक की बेटी का जन्म चीन में होता है, उसके बाद ओके परिवार बन गया, अब हो जाएगा ये वाला, हो जाएगा फिर एस्टर एंजल। नेक्स्ट जन्मदिन, जन्म चीन में होता है, युद्ध में एरिक का परिवार खतरे में। वेरी गुड, ओके गुड, उसके बाद हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट लास्ट में क्या बचा? ये वाला, युद्ध के दौरान एरिक चीन में ही रहता है, ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ये, ओके दिस वन, फिर सेकंड कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा ये, वो मना कर देता है, फिर
फिर थर्ड हो जाएगा ये, ओके, फिर फोर्थ ये वाला, कि वो अपनी शौहरत को प्रभु के विश्वास, अपने विश्वास को बताने के लिए इस्तेमाल करता है। फिर फिफ्थ हो जाएगा ये वाला, ओके, फिर सिक्स्थ कौन सा होगा, कि उसका परिवार बनता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं। फिर सेवेंथ ये, युद्ध में एरिक का परिवार खतरे में होता है। फिर एट ये, ओके, समझ में आ गया ना सबको किस तरह से करना है? ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, आप लोग को इसको करना है। अच्छा, अब क्या करना है? अच्छा, एक आपकी लास्ट एक्टिविटी है, सब लोग ड्राइंग करते हैं ना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभी कुछ ऐसा है जो आपको बहुत स्पेशल है आपकी लाइफ में, है ना? हमारे लिए सब कुछ बहुत स्पेशल है, कईयों के लिए होता है पेंसिल, रबर, शार्पनर, बुक्स, गेम्स, टीवी या कोई स्पोर्ट्स, है ना? आपको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, खाना बहुत अच्छा लगता है ना? और ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल हो गॉड के, ठीक है? और आपको बहुत इसमें मजा आता है, आनंद आता है। जैसे एरिक लिडल की लाइफ में हम देख सकते हैं ना, वो बहुत, जब वो दौड़ता था ना, वो बोलता था, वो प्रभु को अनुभव कर पाता है और वो उसमें आनंद लेता है। तो आपको यहाँ पे उस चीज की फोटोग्राफ बनानी है जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है? आपको उसकी फोटोग्राफ बनानी, तो वो फोटोग्राफ कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप स्पेशल, आपको ये लगता हो कि मैं खुद स्पेशल हूँ, ठीक है? मेरी आप अपनी फोटो भी बना सकते हैं उसमें, यहाँ पे ये जो स्पेस बची हुई है ना यहाँ पे। तो हो सकता है आपको कुछ और पसंद हो, ठीक है, तो आप वो भी बना सकते हो। तो जो आपको पसंद है और आपको उसको वो बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको, उसकी फोटोग्राफ इसमें बनाइए, ठीक है? तो खाने के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, मैं अभी कुछ नहीं आपको बताऊंगी, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है? ये आपकी एक्टिविटी है और आपको इसको करना है। और अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन अभी मुझे 2 मिनट में जल्दी से बता दीजिए कि आपने एरिक की लाइफ से क्या लगा आपको, क्या सीखा आपने? कोई बोलना चाहता है? कोई हैंड रेस करेगा? क्या लगा एरिक की लाइफ से, क्या सीखा आप लोगों ने? स्पर्श, हाँ, कि हमें परमेश्वर, हमें गॉड में बिलीव करना चाहिए। ओके, गुड, वेरी गुड। और कोई एनोश का हाथ खड़ा है, उसके बाद कैरोलिन और फिर जॉय। हाँ एनोश, माइक ऑन करो। हम जहां पर भी जाते हैं हमें परमेश्वर का प्रचार करना चाहिए। ओके गुड, कैरोलिन। परमेश्वर तो पर बिलीव करना चाहिए। परमेश्वर पे बिलीव करना चाहिए। ओके गुड, हाँ ओके। जॉय और आरन, दीदी हमें हमें हर काम को प्रभु के लिए करना चाहिए। वेरी गुड। हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ राइका भी कुछ बोलेगी। राइका कुछ, अनंत, पहले अनंत स्तुति बोलेंगे। हाँ बेटा, रेस हैंड, हैंड रेस किया आपने। हाँ अनंत सृष्टि, हाँ बोलो बोलो बेटा। दीदी हाँ सृष्टि बोलो बेटा। सृष्टि, हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। केनेथ कुछ नहीं बोल रहा है। परिरूही, एस्टर एंजल, हाँ बोलो। एस्टर, एस्टर का हाथ खड़ा। हमें प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए। वेरी गुड, हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए, है ना? हमने देखा हर एक लिटिल की लाइफ में कि फर्स्ट प्रेफरेंस गॉड को दिया। वचन में लिखा भी है ना कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तुम पहले, और सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस गॉड को देना, वेरी गुड। और रायका, परिरोही कुछ बोलना चाह रहे हो? कहने था, आपने कुछ नहीं बोला। अर्पण मकारियस, दानशी, एक्सक्यूज मी सारा, दीदी, हाँ जी, हाँ जी, दीदी कैन आई टेल, यस यस,
दीदी हमें संडे को अपना कोई भी काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे स्पेशल कोई भी काम क्यों ना हो, हमें अपना संडे का दिन परमेश्वर को देना चाहिए। वो प्रभु का दिन है तो हम पहले परमेश्वर को स्थान दे, ठीक है, उसके बाद हम बाकी काम करें। फर्स्ट प्रेफरेंस गॉड को देना है, वो प्रभु का दिन है, हम प्रभु के घर ले जाए, प्रभु को आराधना प्रभु को दे, है ना। वैसे तो हम लोग बाकी दिन तो हम करते ही है काम, है ना। जो संडे है विश्राम का दिन है, वचन में भी लिखा है ना, परमेश्वर की पहली आज्ञा क्या है कि हमें कोई और मूरत नहीं बनानी है। प्रभु मूरत कुछ भी हो सकती है, हम अपने आप को भी पहले प्रभु के सामने रख सकते, प्रभु बन सक बन जाते हैं कई बार, है ना। वो नहीं करना है, फर्स्ट गॉड, तू प्रभु को ही अपना परमेश्वर करके मानना है ना। ओके चलो, परिरोही कुछ बोलना चाहते हैं और फिर उसके बाद हम नहीं तो हम लोग मतलब प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। अर्पण मकारियस, वुड यू लाइक टू से समथिंग, एनीथिंग, लर्निंग पॉइंट्स? अर्पण मकारियस, रायका, ओके ठीक है, ठीक है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, सभी कोई अपनी आंखें बंद करेंगे, ठीक है, सभी कोई अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे पीछे आप मन में रिपीट करना, अपने माइक्स ऑफ ही रखिए। ठीक है, अपने माइक्स आप ऑफ ही रखो और रिपीट कीजिएगा मेरे पीछे पीछे। प्रभु मैं अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु मैं आपके पास आता हूँ और आती हूँ, और मैं आज अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ कि आज से मैं आपकी योजनाओं को पूरा करूंगा, मैं आपके लिए जीऊंगा और जो भी करूंगा मैं आपकी महिमा करूंगा। आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं फर्स्ट पहला स्थान केवल केवल आप ही को दूं। मेरी इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं जय मसीह। अभी अभी दो मिनट अपने आपको अनम्यूट मत करना, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अभी आप लोगों को, हाँ अभी ये जो पीपीटी है, ये जो पीपीटी है ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी और वर्कशीट भी व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और फिर वर्कशीट आप करके मुझे भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी। टीना, ओवर टू यू।